अच्छा मैं कह रहा था कि एक 20-25 लड़कों की टीम बनाओ और पूरे मोहल्ले में फैला दे और एक गांव का एक एक दरवाजा खटखटाओ और सबको बोलो कि हसरत साहब कोर्ट दें। अरे सिर्फ 2 साल पुरानी बाइक है, 30,000 में दिला रहा हूँ। ऐसी डील सिर्फ सपनों में मिलती है। इससे पहले कि आपका सपना टूटे डील पे मुहर लगा दें। नियाज भाई फसल टेम्पो में लोड हो चुकी है, शहजाद को जबान दे चुका हूँ। अरे नियाज भी मुझे 50 रुपये पर क्विंटल ज़्यादा दे रहा है। पुराने रिश्ते पुराने दाम पर तो नहीं निभाए जाते हैं ना। वक्त बदलता है, हर चीज़ के दाम भी बदल जाते हैं। अरे अमजद वाह क्या बात है, तो मुगले आजम के जमाने का पंखा आखिर तूने चला ही दिया। लतीफ भाई हर चीज़ चलती है, बस चलाने का तरीका आना चाहिए। अरे जब पढ़ा लिखा नहीं है तो इतना सब कर लेता है। कॉलेज गया होता ना तो आसमान में सैटेलाइट भेजता तू। लतीफ भाई जिनका हौसला बुलंद होता है ना सारा आसमान उनका होता है, और कोई भी कॉलेज की डिग्री हुनर पे हावी नहीं हो सकती। और हाँ, हुनर किताबों से नहीं तजुर्बे से मिलता है। अमजद आज इतवार को कहाँ जा रहे हो? मीना घर से बाहर जाने के वक्त टोका मत करो, और वैसे भी 10 बज चुके। उमेरा अरे लेट हो रहा है, चले नहीं तो मैं अकेले ही चले जाता हूँ। बस बस 2 मिनट मुख्तार, हो गया बस। अरे चलो अशरफ बेटा जल्दी। आप आएंगे सोचकर अम्मी ने खास आपके वास्ते फिरनी बनाई है। अरे वाह, एक काम करना, डिब्बे में डालकर घर ले आना, काम से लौट कर खा लूंगा। आज कैसा काम जी, आज तो इतवार है। अरे इतवार तो हर हफ्ते आता है, लेकिन ऐसा ऑर्डर बार बार नहीं आता। वैसे भी 2 दिन लेट हो, इस पार्टी को ना पकड़ के रखना है। अब हाँ? आज शाम को मॉल चले, जो होमवर्क करेगा वही मॉल वॉल जाएगा। अरे आज कैसा काम जी, आज तो इतवार है। अरे क्या हुआ अमजद भाई? मैं और फहीम हम दोनों अपना काम कर रहे थे यहाँ पर, अमजद भाई आए सीधा सीधा दुकान के अंदर घुसे यहाँ पे, चाकू उठाया आए और मुख्तार के पेट में घुसेड़ने लगे। साहब पता नहीं अमजद भाई और मुख्तार सिद्दीकी की पार्टनरशिप है? नहीं नहीं साहब, ये पूरी दुकान अमजद भाई की खुद की है, थोड़ा सा जगह उन्होंने मुख्तार को किराए पे दिया था, वो सिलाई का काम करते। अमजद बेग का फोन स्विच ऑफ है। किस तरह भागा वो, घर की तरफ? हाँ, शायद घर की तरफ ही भागा। देख मीना जल्दी बता दे कहाँ भागा है तेरा शौहर अमजद बेग।
मैडम मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ मुझे नहीं मालूम, मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या हुआ लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बहुत बहुत परेशान लग रहे थे वो। मैडम खुले के कपड़े अंदर हैं, अलमारी भी खुली पड़ी। मीना, अमजद ने अपने किरायेदार मुख्तार सिद्दीकी पे चाकू से वार किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है उस पे, और अगर तूने झूठ बोला उसे बचाने की कोशिश की ना तो तू भी जेल जाएगी, फिर अपनी बच्ची का सोच। मैडम वो पागलों की तरह अंदर आए, कपड़े बदले और अपने साथ कुछ ले गए। अमजद कुछ तो बोलो ना, अमजद क्या हुआ है? अमजद मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे, कुछ तो बोलो, मुझे क्या कर रहे हो तुम? अमजद मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे, अमजद क्या किया तुमने, कहां जा रहे हो तुम? पता नहीं अमजद, मेरी बात तो सुनो अमजद। और कुछ नहीं बताया, अभी मुझे आप लोगों से पता चला कि अमजद ने मुख्तार भाई को चाकू मार दिया। क्या प्रॉब्लम थी उन दोनों के बीच में? मुझे नहीं मालूम मैडम, अमजद ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुश्ताक मर गया सर, 6-7 बार स्टेप किया था उसे, डॉक्टर ने बताया खून काफी बह गया था। अमजद बेग भी फरार है, फोन स्विच ऑफ है उसका, यहाँ सबके सामने स्टेपिंग है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है कि अचानक क्या हुआ, क्यों स्टेपिंग की अमजद। सर अमजद के खून लगे कपड़े मिले उसके घर से, उसकी वाइफ मीना का कहना है कि उसे कुछ भी नहीं पता, अमजद बस घर आया उसने कपड़े बदले और अपना सामान बांधा और निकल गया। और सर ये मीना ने उसकी एक फोटो भी दी है। रेड अलर्ट जारी कर दो अमजद की फोटो के साथ, हम टीम्स भेज रहे हैं पूरे मुंब्रा में, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, हर जगह। मैं अच्छी खासी अपने बेटे को लेकर अपनी अम्मी के यहाँ जा रही थी मोमिनवाड़ी, फिर मेरे बेटे ने मुझसे जिद किया कि अब्बू की दुकान चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम वहाँ पहुँचे दुकान में, फिर वहाँ जाने के बाद वो अमजद आया और उसने अचानक से मेरे पति को इतनी बेरहमी से मार डाला। क्या ये अमजद और मुख्तार के बीच में कभी पैसों को लेकर कोई मसला था, कभी कोई लड़ाई हुई थी? ये अमजद जब अपनी दुकान में दाखिल हुआ तब कोई तू तू मैं हुई थी? नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो अमजद आया और उसने सलाम बोले, मैंने भी उसको सलाम बोला, वो अंदर गया और बाहर चाकू लेकर उसने मार डाला। तुम कह रही हो कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा पति कहां से बिलोंग करता है? नहीं मालूम साहब, हम लोग हुमायूं नगर में मिले थे, शादी कर ली, मैं उसकी तरफ के लोगों को मिली तक नहीं। चलो माना नहीं मिली, पर कुछ नहीं माना, किसी का नाम, उनका पता, कम से कम गांव का नाम? उन्होंने कभी बताया नहीं और मैंने कभी पूछा नहीं साहब। 444-578-987 ये नंबर जो तूने अमजद को दिया ये तो तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है? हाँ साहब, 2 साल पहले जब मैं अमजद भाई के साथ काम पे लगा था तो उनके पास सिम लेने के लिए कोई पेपर नहीं था, तो मैंने अपने खोली के पेपर दे के उनके लिए सिम लिया था। जब उसकी अपनी खुद की दुकान है तो वो तेरी खोली के रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल करता है खुद के सिम के लिए? क्या लगता है तुझे, तेरे झूठ को हजम कर लेंगे हम? साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपने रिकॉर्ड्स देखे ना, अमजद भाई का सिम मेरे नाम और एड्रेस पर है ना। और तू फहीम, तू यहाँ कब आया? 1 साल पहले साहब। जब 2 साल पहले मैं अमजद भाई के साथ काम पे लगा था तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इधर ही दुकान में सोते थे, उसके बाद मेरे साथ मेरी खोली पे रहने लगे। खोली किधर है तेरी? यही पास में साहब, हुमायूं नगर, वहीं पे उनको मीना भाभी भी मिली और फिर दोनों ने शादी मना ली, फिर वो मीना भाभी के साथ उनकी खोली में रहने लगे। उसके पास खुद की दुकान है लेकिन रहने का ठिकाना नहीं है, ये तुम दोनों मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हो? साहब सच में अमजद भाई के पास कभी खुद का मकान नहीं था। मुख्तार की दुकान पहले अलग जगह थी, 2 गलियां छोड़कर, फिर उसकी दुकान का मालिक अचानक बेच बाज कर चला गया, फिर मुख्तार ने अमजद से बात की, उसकी दुकान का एक हिस्सा उसने किराए पर ले लिया था। अमजद को तुम और ये मुख्तार कब से जानते हैं? मुख्तार उसे कब से जानता था मैं नहीं जानती मैडम, लेकिन मैं उस अमजद को बस 8 महीने से जानती हूँ, जब से मुख्तार ने अपनी मशीन उस मनहूस दुकान में लगाई थी। मैं मुख्तार भाई को जानती तक नहीं थी, बस 1-2 बार जब मैं अमजद को दुकान पर खाना देने गई थी तब मिली थी बस। अमजद ने मुख्तार को अपनी दुकान का एक हिस्सा किराए पर दिया था उसके टेलर के काम के लिए, और फिर एक इतवार की सुबह को उसके बीवी बच्चों के सामने, दूसरे लोगों के सामने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया, ये तो जानती हो? हाँ साहब, आप लोगों ने बताया तब से जानती हूँ। लेकिन वो कहाँ से आया,
या मुंब्रा में या बाकी मुंबई में कौन उसके रिश्तेदार हैं, मुख्तार के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी, इस बारे में हमें तुम कुछ नहीं बता रही। क्योंकि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है साहब, तो मैं आपको क्या बताऊं। अमजद भाई के रिश्तेदार? हमारा उनके साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं था साहब कि हम उनसे ये सब सवाल पूछें। या वो बताएं, कोई दूसरा नंबर है अमजद के पास? अभी है कि नहीं पता नहीं साहब, लेकिन 2 साल पहले जब मैंने उनको सिम ला के दिया था तब पहले से उनके पास एक फोन था। क्या? थोड़ा जोर से बोला, आवाज नहीं आ रही। हाँ सब खैरियत है वहाँ, सब ठीक है ना? और वो पैसे मिले? वो वाला फोन नंबर नहीं है तेरे पास? नहीं है साहब, हमने कभी मांगा नहीं और उन्होंने हमें कभी दिया भी नहीं, कुछ ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। साहब मुझे तो आज तक इस नंबर के बारे में नहीं पता था, अभी पता चला। साहब इस अमजद बेग के घर से तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। दुकान के भी नहीं? नहीं सर। अब तू मुझे एक बात साफ बता, ये दुकान अमजद की ही खरीदी हुई है, उसकी खुद की है? हाँ साहब, ऐसे ही बोला था उन्होंने तो। क्या बिगड़ा था मेरे शौहर ने तुम लोगों का? क्यों मार डाला मेरे शौहर को? क्या बिगड़ा था? मेरा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता अमजद क्या है। तू झूठ बोल रही, तू झूठ बोल रही है साली, मुझे पता है। क्यों छुपा के रखा है उसको? कहाँ छुपा के रखा है शैतान को? बता ना कहाँ है वो? क्यों मारा मेरे शौहर को साली झूठ? बता ना कहाँ है वो? इस मीना बेग को कस्टडी में रखो, ये जरूर कुछ जानती है जो बता नहीं रही। ये अमजद काफी पहुंचा हुआ है सर, ये अपने साथ अपना एक एक डॉक्यूमेंट लेकर भागा है ताकि हम इस तक कभी पहुंच ही ना सके। अटैक लगता तो है अचानक हुआ है, लेकिन अचानक कुछ नहीं हुआ है। इस अमजद ने पूरी प्लानिंग की थी, इसका इंटेंशन मर्डर ही था। इस अमजद को जबरदस्त गुस्सा रहा होगा, किसी के अगेंस्ट ऐसा गुस्सा वो भी अचानक, एक सेकंड में तो पैदा नहीं हो सकता डॉक्टर। उसे दुकान में घुसते ही ऐसा गुस्सा क्यों आया होगा? यह भी बहुत अजीब सा ही है सर कि अमजद के दो सबसे करीबी, इसकी बीवी और इसका असिस्टेंट, इन दोनों के पास अमजद के पास्ट की एक भी डिटेल नहीं है। और एक बात सर, 2 साल पहले 2012 में इस अमजद ने मीना से शादी की, बट इस मीना की बेटी तो 8 साल की है, तो सर जाहिर है अमजद मीना का पहला पति तो नहीं है। इस मीना बेग को हिट दो, जो इन्फॉर्मेशन ये दबाकर बैठी है निकलवाओ। सर कदम, अमजद के आदमी ने कहा था कि वो दुकान उसकी खुद की खरीदी हुई है। हरीश और फहीम ने तो ऐसा ही कहा है सर। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में चेक करो किससे खरीदी, एग्रीमेंट में एड्रेस क्या है, पूरी बैकग्राउंड निकालो इसका। कदम साहब कुछ तो लोचा है यहाँ। वो तो है, अब आप कोई गुड न्यूज दो हमें। और साहब मुझे जो न्यूज मिले उससे मैं खुद हिल गया हूँ। दुकान किसी और के नाम पर है क्या? किसी के नाम पर नहीं है दुकान, पूरा कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी है। मैंने सारे कागजात खंगाले और उस दुकान पर भी जाकर आया, उस दुकान का रजिस्ट्रेशन तो हुआ ही नहीं है। यार हरीश मेरी फटी पड़ी है। साले मेरी कम फटी पड़ी है, क्या होगा मेरा, मैं ना कहीं खिसक जाता हूँ। सोचना भी मत, तू खिसक गया तो मेरे तो बम्बू लग गए ना, चुपचाप इधर ही रह, समझा? मीना तेरा शोहर अमजद इलेक्ट्रिशियन है ना? हाँ शुक्र है, कुछ तो जानती है। मैं बस इतना जानती हूँ कि अमजद का कोई परिवार है, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम, ना मैं कभी उनसे मिली ना कभी कोई बात हुई। मतलब एक दिन अचानक से आसमान फटा और ये अमजद आके तेरी गोदी में गिर गया? कुछ ऐसा ही समझ लो मैडम, रिया की कसम खाती हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। ये रिया तेरे पहले पति से है? हाँ। और अपने पहले पति को तूने अमजद के साथ मिलकर मार दिया? नहीं ऐसा नहीं है, जब मैं अमजद को पहली बार मिली तब मेरा पहला शौहर बहुत बीमार रहता था। वो चाय बनानी थी तो दूध खत्म हो गया, दुकानें भी सब बंद है।
कल रात को भी आपके चीखने की आवाजें आ रही थी। आप इतना कुछ क्यों सहती हैं? ये खा लो बेटा, देखो इसके बाद तुम्हें दूध भी पीना है। शराब पे इल्ज़ाम लगा के कोई फ़ायदा नहीं है मीना। हर शराबी अपनी बीवी को इस तरह से पीटता नहीं है। और एक बात याद रखना, खुदा भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तुम मेरी मजबूरी नहीं समझोगे। इंसान इतना भी मजबूर नहीं है मीना। मानता हूँ रिश्ता बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उस रिश्ते से निकला तो जा सकता है ना। मेरी रिया सिर्फ 4 साल की है अमजद। मैंने उस रिश्ते से निकलोगी तभी बच्ची बुरी यादों को भूल पाएगी, वरना जिंदगी भर उसे सताएगी। इस रिश्ते से बाहर निकलोगी तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। काश इतना आसान होता। काश कि तुम्हें इस मायूसी की लत न लगी होती। साहब, हाथ पे रबर के दस्ताने चढ़ाकर फोन पकड़ो, शॉक देने वाला हूँ मैं। कोई विदेशी हाथ है क्या सत्या में? ISI या ISIS या साजिश मंगल ग्रह पर रची गई? नहीं नहीं साहब, इतनी दूर नहीं, बना मामला इंटरनेशनल जरूर है। वो फहीम है ना, वो बांग्लादेशी है, एकदम गैर कानूनी। अमजद भी साहब, उसके बारे में अभी तो इतना कुछ पता नहीं चला है, पर ना उसकी बीवी है मीना, वो बॉर्डर पार की है बांग्लादेश साइड की। आमी तुम्हार गोपन कथा जानी सत्ती, तेरे मौन व्रत का राज खुल गया है मीना बेग। तू बांग्लादेशी घुसपैठ है ना। मायूसी मेरी परछाई बन गई है अमजद। उसे भागने के लिए मैं अपने देश, अपने मुल्क बांग्लादेश से भागी। यहाँ पर मुझे मुकेश ने सहारा दिया। अगर उसे छोड़ दूंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा पहला शौहर मुकेश खुद को पी गया मैडम। मैं जितना उसको पीने के लिए रोकती थी वो उतना ही मुझे मारता था। और फिर एक दिन उसके लीवर ने जवाब दे दी और वो चल बसा। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं रिया को मेरी अपनी बेटी मानता हूँ तो? अमजद, मैं खुद पर तरस खाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी मुझ पर तरस खाओ। तुमने कभी खुद से प्यार किया है? नहीं किया। एक बार करके देखो, जैसे मैं करता हूँ प्यार तुमसे। आज का दिन हमारी बाकी की जिंदगी का पहला दिन है। हम शादी जब भी करें पर सालगिरह आज के दिन ही मनाएंगे, ठीक है? मीना, अमजद भी तेरी तरफ बांग्लादेशी है ना? नहीं, मतलब मुझे पता नहीं, मैंने कभी उसे पूछा नहीं। देख मीना, हम जानते हैं कि तू और अमजद मिले हुए हैं और तुम दोनों बांग्लादेशी हो और तुमने मिलकर मुख्तार के मर्डर का प्लान बनाया और सारी दुनिया को ऐसे दिखाया कि ये सब कुछ अचानक से हुआ है, बल्कि ये प्लान तुमने पहले से ही बना के रखा था। तो फिलहाल ये बता कि मुख्तार से ऐसी भी क्या दुश्मनी थी कि तुम दोनों ने उसे मार दिया? नहीं मैडम, मैंने अपनी बच्ची रिया की कसम खाई और मैं फिर से कसम खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। एक से एक बड़ा झोला सर, अमजद का पहला नंबर ट्रेस नहीं हो रहा है, उसकी दुकान गैरकानूनी है, उसका असिस्टेंट फहीम गैरकानूनी विदेशी है बांग्लादेशी, और उसकी पत्नी मीना भी वहीं की है। मीना अमजद को 2 साल पहले मिली, उनकी शादी हुई, लेकिन अमजद की तब दुकान उकान सब सेट थी, तो जाहिर सी बात है
अमजद यहां मुमरा में उसके पहले से रह रहा होगा, उसके दुश्मनी भी मुख्तार के साथ तब की होगी या भी उससे भी पहले की। ये मुख्तार भी बांग्लादेशी हो सकता है सर। और हो सकता है दुश्मनी भी वहीं की हो पुरानी, जो अमजद वहां से यहां मर्डर करने के इरादे से आया हो, इतने साल इंतजार किया हो। कदम, इस मुख्तार की हिस्ट्री निकालो। बांग्लादेश से? मैडम आप पागल हो गए लो क्या? हुमेरा, क्या तुम और मुख्तार तुम दोनों भी बांग्लादेश से हो? ये लो, लो, देख लो ठीक से, चाहे तो तपास लो, ये असली है, जैसे कि हम असली हिंदुस्तानी हो। गई तसल्ली या आपको और भी कुछ चाहिए? मेरा, एक सुबह अचानक से अमजद बेग ने आके ऐसे ही तुम्हारे पति को 7 बार चाकू से मार डाला। मैडम अगर मेरे को पहले ही पता होता तो क्या मैं अपने मर्द को उस अमजद के दुकान में अपनी मशीन लगाने देती? मुख्तार और अमजद एक दूसरे को कितने सालों से और कहां से जानते? मैडम आप सच में पागल हो गई लिए क्या? हुमेरा, ऐसे ही कोई किसी को अचानक नहीं मार देता है बिना किसी कारण के। जरूर मुख्तार और अमजद के बीच में कुछ हुआ होगा और ऐसा हुआ होगा जो मुख्तार ने तुम्हें नहीं बताया होगा। अब ये सवाल ना आप मुख्तार से कर सकती है और ना मैं। तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? मैडम अगर मेरे को रत्ती भर का भी शक होता ना कि उस अमजद के दिमाग में क्या शैतानी तूफान मच रही है, तो मैं उसको लपक कर रोक लेती। सब कुछ इतने जल्दी है, इतने अचानक हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आया, मैं वही के वही खड़ी रह गई। साहब, फहीम का मेरे को पहले से मालूम था, उसने बताया था कि वो बांग्लादेश से। लेकिन साहब मैं कभी कोई गलत काम नहीं किया। और अमजद भाई का पता नहीं साहब कि वो किधर से। अमजद को तूने 2012 में ज्वाइन किया था, उसकी रिपेयरिंग की ये दुकान तो उससे पहले की रही होगी ना? हाँ साहब, लेकिन कभी पूछा नहीं, पूछने का कारण नहीं था। साले पिछले 2 साल से वो तेरे नाम का सिम इस्तेमाल कर रहा था, तेरे साथ खोली शेयर की उसने, तेरे मोहल्ले की औरत को अपनी पत्नी बनाया उसने, उसकी पहली शादी से बच्ची को अपनी बेटी माना, और तुम लोगों में से कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ का रहने वाला है। और तू फहीम, तेरी नैया तो अब किनारे लगने से रहे। अब अगर तुझे आज के आज रिपोर्ट नहीं होना है ना, तो मुझे साफ साफ पता, क्या ये अमजद भी बांग्लादेशी है? क्या वो अपना खूनी चेहरा छिपाने के लिए बांग्लादेश वापस लौट गया? नहीं पता साहब। देख भाई याकूब, हमने अपने बांग्लादेशी सर्किट में एक से एक हैंडलर से बात किया है, पर किसी ने भी ये अमजद बेग नाम के किसी को ना तो उस पार से इंडिया लाया है और ना ही हाल ही में यहाँ से उधर ले गया है। अबे नाम में क्या रखा है बे? वो तो कमीज की तरह कोई बदल सकता है ना, इसके लिए मैंने तेरे को इस अमजद का फोटो भेजा था। हम भी तुम्हारी खबरी बिरादरी का है, इतना बड़ा केस है, हम फोटो नहीं घुमाएगा। इतना बड़ा केस नहीं, क्राइम ब्रांच का सबसे इम्पोर्टेंट केस है इस वक्त, इसीलिए अपना हाथ पैर आँख का ना जरा तंदुरुस्ती से चला। और खाली बॉर्डर तक नहीं, ढाका तक, ढाका तक तेरे जितने भी खबरी नेटवर्क है ना, सबको एक्टिवेट कर। सब मोहल्ले में तो खामोशियां भी चीखती हैं, यकीनन किसी ने इस अमजद बेग और मुख्तार परिवार के बारे में कुछ नहीं सुना। आरती, मायूसी की मूर्ति मीना एक नंबर की एक्टर लगती है मुझे। पता चले कि इसका मुख्तार के साथ कोई चक्कर था और इस वजह से अमजद का फ्यूज उड़ गया। सब मुख्तार की वीडियो हुमेरा भी कम ड्रामा क्वीन नहीं है, काफी चीख चिल्ला रही है, अमजद को गालियां दे रही है। सब पता चले इसका और अमजद का ही कोई चक्कर चल रहा हो और एक अरसे बाद दोनों का बसने का प्लान हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हसीना पर गुस्सा हो लेकिन इसकी वजह मैं हूं?
बोझ बन गई हूँ मैं, तुम्हारे रास्ते का कांटा बन गई। तुम हमें किस्तों में बता रही हो या फिर अपने शोहर को किस्तों में वक्त दे रही हो हमसे दूर जाने का? मैं बहुत हिली हुई थी साहब, अब भी हूँ। ये बात सच में मेरे जहन से निकल गई थी, अब अचानक से याद आई तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन पता नहीं इस सब से उसका क्या ताल्लुक हो सकता है। अपनी बच्ची रिया की तुमने दो दो बार कसम खाई कि तुम्हें कुछ नहीं पता, रिकॉर्ड जैसी बचती रही, पर हमें तुमने एक बार भी नहीं बताया कि अमजद की पहले शादी हुई थी और उसकी पत्नी को तुम जानती हो। रिया की झूठी कसम नहीं खाई थी मैडम, सच में जहन से निकल गया था और मैंने सिर्फ सुना था कि अमजद पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पहली बीवी का नाम हसीना है। हसीना? अमजद, यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कह रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरा सपना हो। हसीना, मेहर की रकम मैं अदा कर दूंगा, उसकी फिक्र मत करो तुम। लेकिन ये मीना कौन है? ये मीना, उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम मुमरा में मिले थे और हमें इश्क हो गया, बहुत जल्द हम लोग निकाह करने वाले। प्यार तो तुमने मुझसे भी किया था ना, और जिसे तुम निकाह का नाम दे रहे हो वो दरअसल धोखा है मेरे साथ। हसीना, गुजारिश कर रहा हूँ तुमसे, बखेड़ा खड़ा मत करो। बखेड़ा मैं खड़ा कर रही? मेरा कोई वजूद नहीं है, कोई मर्जी नहीं है। अमजद, जब से तुम यहाँ से गए हो ना, मैं इंतजार करती रही कि कब तुम मुंबई में घर जमाओगे ताकि हम अपनी जिंदगी तो शुरू कर सके, पर तुम मुझसे फोन पर तलाक मांग रहे हो। मैं फैसला कर चुका हूँ हसीना, तुम्हें सिर्फ इत्तला कर रहा हूँ, आज से अभी से अपने आप को तलाकशुदा समझो। तलाक, तलाक, तलाक। मेहर की पहली किस्त तुमको महीने के आखिरी में मिल जाएगी। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें कभी हाफिज नहीं रखेगा। और रही बात मेहर की, तो वो तुम अपने मीना पर खर्च करो, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर शुरू करूंगी। भूल जाऊंगी कि अमजद नाम का कोई दर्दनाक धोखा हुआ था मेरे साथ। क्या हुआ, क्या कहा उसने? मीना, मैंने हसीना को तलाक दे दी और उसने जो कहा वो तुम्हारे कानों के लिए नहीं है, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, तारीख तय कर लेते हैं और निकाह कर लेते हैं। सर, अमजद के इस नंबर के पिछले एक साल के सारे नंबर्स एक एक करके खंगाले, लेकिन किसी हसीना का नाम नहीं मिला। ये सच में एक हसीना थी? शबर, तुम्हारे दिमाग की उपज है। मीना बेग, बस अब और खेल नहीं हमारे साथ। मीना, हम अच्छे अच्छे हसीना के ना पसीने निकालते हैं जेल के अंदर, और मैंने पहले ही कहा था, आजमा मत हमें। मैडम, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता था कि अमजद की पहली बीवी का नाम हसीना है और हसीना ने पिछले साल फिर से शादी कर ली, और जुनैद से शादी कर ली। कौन जुनैद? अमजद का छोटा भाई। क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे हो गया ये सब? हमारे बेटों की जिंदगियों में क्या कब कैसे होता है हमें थोड़ी ना पता चलता है। अमजद अब्बू, ये वक्त मुझे ताना मारने का नहीं है, बताइए मुझे कैसे हुआ ये सब? तुमने अचानक से उसे तलाक दे दिया, वो अपने घर मायके चली गई हमेशा के लिए, और हमारे पास दिखाने के लिए ना ही मुंह रहा और ना ही कहने के लिए कुछ जुबान। आज साहबजादे जुनैद आए और कहने लगे कि अब्बू हमने हसीना से निकाह कर लिया है। पागल हो गए हो तुम जुनैद, कैसी बातें कर रहा है ये? अब्बू, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, मैं हसीना से निकाह कर चुका हूं, वो अब मेरी बेगम है। अब अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो क्या मैं उसे घर ले आ सकता हूं? अरे, तुम्हारे बड़े भाई की छोड़ी हुई औरत है वो। तो अब्बू, अमजद भाईजान ने उसे तलाक दे दिया था, मैंने उसका हाथ मांग लिया और उसने हाँ कर दी, और वैसे भी वो अमजद भाईजान की जागीर तो है नहीं ना। मिल गया जवाब, अब तो अलग से घर बसेगा। जुनैद ने बहुत गलत किया अब्बू। बेटा, अब जो कर लिया सो कर लिया, घर छोड़कर चला भी गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में तुमने मुझ पर तरस खाकर मुझसे निकाह किया और तुम्हारे दिल में अब भी हसीना है?
मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मुझे फिक्र हो रही मेरे भाई जुनैद की। पता है तुम्हें, कॉलेज नहीं गया ताकि वो पढ़े, कुछ बने और हमारे माँ बाप का सहारा बने। लेकिन उस हसीना ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे जुनैद पे जादू टोना करवा दिया और उसे अपने वश में कर लिया। उसने बर्बाद कर दिया उसने हम सबको। सच? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बर्बाद हो गए? मतलब मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, हम एक नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं, उसके कोई मायने नहीं है? ये सब एक साल पहले हुआ? जी। कुछ दिन पहले तक तुम अपनी बच्ची की कसमें खा रही थी कि तुम्हें अमजद के अतीत के बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर नाटक से धीरे धीरे पर्दा उठता है, हसीना का किरदार आता है, उसके बाद अमजद के अब्बू की एंट्री होती है और फिर हीरो का छोटा भाई जुनैद। और कितने किरदार आने बाकी हैं? लेखक कौन है इस नाटक का? डायरेक्टर कौन है? मुझे लगता है दोनों, हसीना और जुनैद। नीना मेमसा भी होंगे, क्योंकि अमजद के फोन रिकॉर्ड्स में ना तो किसी हसीना से बात दिखती है और ना ही किसी जुनैद से। साहब, मैं सच बोल रही हूँ, जुनैद हमेशा अपने घर वालों से दूसरे फोन से बात करता था। वही दूसरा फोन ना, जिसका नंबर किसी के पास नहीं है। तो मीना मेम साहब, इस कहानी की अगली किस्त आप कब देने वाली हो? अगले एपिसोड में क्या देखेंगे हम? मैंने इन लोगों के बारे में सिर्फ अमजद के मुंह से सुना था, जो मैंने आपको बता दिया है। मैं इन लोगों से मिली भी नहीं हूँ। मैंने इन लोगों का सच आपको इसलिए बताया ताकि आप लोग अमजद को ढूंढ सके। ढूंढा उसे जाता है जो खो जाता है, जिसे गुमशुदा कहते हैं। तुम्हारा शोहर मुजरिम है, खूनी है, वो खोया नहीं है, फरार है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि अमजद ऐसा कुछ कर सकता। मैं कह रही हूँ ना आपसे, जरूर कोई और बात है। कहानी में कौन है आर्टिस्ट? अब क्या ट्विस्ट सोचा है तुमने? अमजद का हमशक्ल? सब ये अमजद वो अमजद नहीं है। फरजाना, राखी। मैडम मेरी बात तो सुनिए। मैडम मेरी बात तो सुनिए, अमजद को कुछ तो हुआ है। 2 साल पहले निकाह के बाद हम लोग दुनिया के सबसे खुश लोग थे। मेरी बेटी रिया को पहली बार एक सच्चे बाप का प्यार मिला था। अमजद दिन रात मेहनत करता था साहब, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की उसने, बस प्यार, ढेर सारा प्यार। कोई बुरी आदत नहीं थी उसमें, लेकिन 6 महीने पहले अचानक से कुछ हो गया, उसका सारा काम बिगड़ने लगा, उसके मिजाज बिगड़ने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब हाथ जोड़ती अमजद को ढूंढ लगी। मैं खुद जानना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं कह रही हूँ ना आपसे, ये अमजद वो अमजद नहीं है। ये अमजद वो अमजद नहीं है। एक और गोगली है। इस मीना के पीछे टीम तो लगा दी सर, लेकिन अभी तो कुछ हाथ नहीं लगा। बस एक उपन्यास सामने आया, जिसमें फैमिली ड्रामा भी है, थ्रिलर भी है और सस्पेंस भी है। मीना ने जो कुछ भी कहा, माना वो झूठ हो सकता है, पर सर उसने ये भी कहा कि इस अमजद का पिछले 6 महीने से काम अच्छा नहीं चल रहा था। पूरा डाउन है साहब, पहले कितना काम आता था लेकिन पिछले 6 महीने से एकदम ही ठंडा पड़ा है। कोई खास वजह? अमजद भाई खुद एक से एक तगड़ी पार्टी को, पुराने पुराने ग्राहकों को काम के लिए मना करने लगे, नए ग्राहकों को तो दुकान पर खड़ा तक नहीं होने देते थे। एक मिनट मोहित भाई रुको। ना मोहित भाई, ये काम नहीं ले सकता मैं, माफ करना। भाई ये सीडी प्लेयर चल नहीं रहा, जरा चेक करो। खोल के देखना पड़ेगा। हाँ मत खोल हरीश, नहीं बनेगा वो। ले जाओ भाई, माफ करना। अरे अमजद भाई एक बार खोल के तो देख लूँ। ना बोला ना हरीश, भाई नहीं बनेगा, आप माफ करने ले जाए। अमजद भाई ये क्या हो रहा है? हाँ सुबह से 3 बड़े बड़े ऑर्डर आए, आपने तीनों को वापस भेज दिया। वो घाटे का था,
खतरा है उसमें। अमजद भाई कैसे? दुकान का मालिक तू है कि मैं? आप ही हो अमजद। ए मुख्तार, अरे ये क्या तरीका काम करने का, पूरा कचरा फैला रखा है दुकान के बाहर। अमजद भाई अब तुम हमें टेलरगिरी सिखाओगे? शाम होने तक तो एक भी धागा मिलता है यहाँ। अरे लेकिन शाम तक तो कचरा दुकान के बाहर पड़ा रहता है ना, उसी से मनुष्यत फैलती है। अरे अमजद भाई काम के टाइम पे मजाक मत करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी दर्जी की दुकान है जिसकी जमीन पर कपड़ों के टुकड़े नहीं मिलते, और ऐसी कौन सी इलेक्ट्रिशियन की दुकान है जिसकी दुकान पर वो वायर के टुकड़े नहीं मिलते? मेरी दुकान में एक वायर का टुकड़ा नहीं मिलेगा तुझे, एक कचरा नहीं मिलेगा। पता क्यों? क्योंकि मुझे कचरा पसंद नहीं है। ये जो कचरे यहाँ पड़े रहते हैं ना, ये शैतान को न्योता देते हैं, और उसके बाद क्या होता है तुझे पता होगा। अगर नहीं पता तो बताऊं मैं क्या होता है। ये काफी अजीब बर्ताव था उसका। हाँ साहब काफी अजीब, लेकिन कभी समझ नहीं आता कि अमजद भाई काय को ऐसा पेश आ रहे थे। सर आधार कार्ड ऑफिस से भी जवाब आ गया, इस अमजद बेग के नाम से कभी कोई कार्ड नहीं बना। कैसे बनता? जो आदमी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन खुफिया रखना चाहता हो वो भला आधार कार्ड क्यों बनवाएगा? लेकिन उसने दुकान खरीदी सर, मतलब उसके पास पैसे थे। अब गैर कानूनी ही सही, दुकान का साइज देखिए, कुछ लाखों में ही खरीदी होगी सर। अमजद बेग है क्या? सरेआम एक मर्डर करता है, वो 6 महीने से परेशान था। सर 3 महीने हो गए और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा, ना अमजद बेग के बारे में, ना इस कत्ल के मोटिव के बारे में। इस मुख्तार सिद्दीकी की बैकग्राउंड की क्या रिपोर्ट है? क्लीन है सर, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, ईमानदार आदमी था, पर पिछले 15 साल से मुमरा में दर्जी का काम कर रहा था। मीना बेग पर हमारी सर्विलेंस काफी समय तक चलती रही। हुमेरा सिद्दीकी भी हमारे शक के रडार पर थी। हमारी मॉनिटरिंग नॉन स्टॉप चलती रही। दूसरे केसेस अब प्रायोरिटी जोन में आ गए थे, लेकिन अमजद बेग केस पर काम बिना रुके चलता रहा। पर वक्त के साथ अमजद बेग का केस धीरे धीरे बैक बर्नर पर चला गया। हेलो सर, आपने मैसेज छोड़ा था कॉल बैक करने के लिए। मेरे सामने अमजद बेग के केस की फाइल है, मुख्तार सिद्दीकी का मर्डर सस्पेक्ट, अभी भी फरार है। 1.5 साल पुराना केस है, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अभी तक अमजद बेग ट्रेस नहीं हो पाया सर। केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ी है मैंने, बड़ा अजीबोगरीब केस है और किसी मोटिव का अनुमान भी नहीं है। मोटिव इसलिए सामने नहीं आया क्योंकि अमजद बेग सामने नहीं आया। लेकिन जोशी ये केस को ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना, तुम दोबारा इस केस को टेकअप करते हो या मैं किसी नए टीम को दे दूं? नहीं नहीं सर, मैं खुद हैंडल करूंगा। इस केस को एक नए केस की तरह ट्रीट करेंगे, पहले के डेड एंड्स हमारे अब के स्टार्टिंग पॉइंट्स नहीं होंगे। डन सर, देखते हैं हमारे पास क्या है। 8 जून 2014 संडे की सुबह ये अमजद अपनी दुकान पर आता है, दुकान के अंदर जाता है, वहां से फल काटने वाला चाकू लेकर बाहर निकलता है और मुख्तार को स्टेप करता है और वहां से भाग जाता है। और सर हमारे सामने है अमजद की दूसरी बीवी मीना बेग, मुख्तार सिद्दीकी की बीवी हुमेरा सिद्दीकी, और अमजद की दुकान पे काम करने वाले 2 लड़के, लोकल हरीश और ये बांग्लादेशी फहीम। फिर भी सर हमारे हाथ में अमजद के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं है। ये फैक्ट्स हैं हमारे सामने, फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हैं जिनका प्रूफ नहीं है, और वो ये कि अमजद की पहली बीवी थी हसीना बेग, जिसको उसने फोन पर तलाक दिया था, और उसका दूसरा नंबर जिससे वो बात करता था जो ट्रेसेबल नहीं है, और उसी फोन से उसने अपने अब्बू से बात की थी जब उसे यह पता चला था कि उसकी पहली पत्नी हसीना ने उसके छोटे भाई जुनैद से शादी कर ली, जिसको लेकर वो काफी परेशान हुआ था। उस वक्त इन इंफॉर्मेशन को हमने मनगढ़ंत माना था, अब अगर हम इसे सही मानकर चले तो भी वो कहानी रहती है, क्योंकि हमें अमजद के पेरेंट्स, उसके छोटे भाई, उसकी पहली बीवी हसीना के ठिकाने के बारे में कुछ नहीं मालूम। डीसीपी साहब के फोन आने के बाद मैंने इस केस की फाइल को कई बार पढ़ा और मैंने यही समझा कि मीना के बयान को हमें निगेटिवली नहीं लेना चाहिए था। हाँ उसने किश्तों में इंफॉर्मेशन दी, पर उस इंफॉर्मेशन के अलावा हमारे पास कुछ और नहीं था, और वो कहीं भागी नहीं, वही थी, अब भी वही। एक काम करते हैं, इस केस को एक नया केस मानकर चलते हैं और ये पकड़ कर चलते हैं कि मीना ने जो बयान दिया था वो सच था। सर अगर हम उसे सच मान भी लेते हैं तो भी हम अमजद तक पहुंचेंगे कैसे? जैसे हर केस में पहुंचते हैं, एंगल बनाकर, बाल की खाल निकालते हुए। मीना ने बात कही फोन कन्वर्सेशन के बारे में। मीना कहती है कि हसीना मैं तुमको तलाक देता हूँ, मेहर की रकम मैं अदा कर दूंगा, उसकी फिक्र मत करो तुम। मतलब एलिमनी। अमजद ने हसीना को फोन पर तलाक के साथ एलिमनी देने की बात कही। अमजद ने एलिमनी की पहली किश्त महीने की आखिर तारीख तक देने की बात की थी।
मेहर की पहली किस्त तुमको महीने के आखिरी में मिल जाएगी। इसका मतलब सर वो पैसे ट्रांसफर करने वाला था किसी भी तरह। करेक्ट। लेकिन सर उस वक्त मैंने मुमरा के तकरीबन हर बैंक में क्रॉस चेक किया था, उसका किसी भी बैंक में कोई अकाउंट नहीं मिला। पैसे कैश भी तो ट्रांसफर होते हैं ना। मतलब सर वो पैसे ट्रांसफर करने वाला था किसी भी तरह। राइट। अब अंधेरे में फायर करते हैं और खंगालते हैं कि इस अमजद ने किसको और किस तरीके से पैसे ट्रांसफर किए। रिकॉर्ड क्यों नहीं होगा, पोस्टल डिपार्टमेंट है हमारा, यहाँ हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब 4-5 साल पहले भेजा गया मनी ऑर्डर काफी भारी फाइलों के बीच होगा कहीं, पर होगा जरूर। आप थोड़ा सा समय दो, अगर है तो मिलेगा जरूर। काफी छोटे रकम को ट्रांसफर करने वाले भी लोग होते हैं। कदम आरती, कांग्रेचुलेशन, यह हसीना बेग नाम की औरत मनगढ़ंत नहीं है। अब पता करते हैं कि अमजद का मुख्तार को मारने का असली कारण क्या था, और ये अमजद 99% हमें यहां मिलेगा। सोमापुर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ब्रिलियंट ब्रेक थ्रू सर। पूरे 1.5 साल के बाद एक कैरेक्टर जो काल्पनिक माना जा रहा था हसीना बेग, वो रियल साबित हुई। इससे और भी कैरेक्टर रियल साबित हुए होंगे, एक एक्चुअल एड्रेस भी था। पर अजीब बात यह भी है कि मीना के हिसाब से अमजद एक जिम्मेदार प्यार करने वाला पति और बाप था, और 1.5 साल से गायब, उसने मीना को कांटेक्ट नहीं किया। तो जब आप लोग यूपी आजमगढ़ पहुंचे, क्या आप लोग अमजद को वहां एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वहां भी रिश्ते काफी स्ट्रेन थे। इस केस की सारी आइडेंटिटी सामने होने के बावजूद ये केस किसी ब्लाइंड केस से कम नहीं था, पर अब हमारे हाथ एक तगड़ी लीड लगी। हम पहुंचे यूपी आजमगढ़। हमें नहीं मालूम था कि सोमापुर गांव से हमें क्या मिलने वाला था, कौन मिलने वाला था, लेकिन हाँ, हम ये तय कर गए थे कि अमजद बेग को साथ लेकर लौटेंगे। और रही बात मोटिव की, तो मोटिव ना जर, ना जोरू, ना जमीन, मोटिव था घड़ी। घड़ी की सुइयां, दिन का रात का वक्त, जिसकी सनक थी अमजद को। हमें लगा हम इस केस को क्लोज करने के काफी करीब पहुंच गए हैं, पर घड़ी की सुइयों की अपनी मर्जी थी, वक्त का अपना तकाजा था। मैं नहीं पता अमजद कहाँ है, उसे बात किए हुए एक अरसा हो गया है। अमजद ने आखिरी बार फोन कब किया था? तारीख तो याद नहीं है, पर 1.5 साल से ऊपर हो गया होगा। हम अमजद को 1.5 साल पुराने मर्डर केस में ढूंढ रहे हैं। तौबा, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं आप? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है कि अमजद ने पिछले 1.5 साल में ना आप लोगों को फोन किया और ना आप लोगों से मिलने की कोशिश की। वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन अगर इस बीच हमें पता चला कि आप लोगों ने हमसे कुछ भी छुपाया है या हमसे झूठ बोला है, तो यकीन मानिए आपकी बाकी की जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। जिंदगी और क्या बदतर होगी साहब? वैसे भी हमने आपसे कह दिया ना कि अमजद से हमारी आखिरी बार बात तब हुई थी जब आपके छोटे बेटे जुनैद ने अमजद की पहली पत्नी हसीना से निकाह किया। अब आप ये मत कहिएगा कि पिछले 1 साल से आपकी उन दोनों से ना तो बात हुई है ना ही फोन हुआ है। नहीं हुई बात, और अगर वो हमसे मिलने आएंगे तब भी हम उनका मुंह नहीं देखेंगे। मर गए वो हमारे लिए जो हमें जीते जी मार गए। जमाल जी, अमजद कितने साल पहले सोमापुर छोड़ के मुमरा के लिए निकला था? इस ईद पर तकरीबन 5 साल पूरे हो जाएंगे उसे। अचानक इतना बड़ा फैसला तुमने कैसे ले लिया बेटा? हाँ बेटा, और इसकी जरूरत क्या है? सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, जमीनें हैं अपनी, जुनैद इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, और माशाल्लाह तुम्हारा काम भी अच्छा चल रहा है। अम्मी, हमारा सोमापुर एक तालाब है और मुंबई एक समंदर, और गांव में देखा हुआ सपना हमेशा बड़े शहरों में पूरा होता है। पर बड़े शहरों के खर्चे भी तो छोटे नहीं होते ना,
और तू इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है जो तुझे कोई ऐसे ही नौकरी देने से रहा। वहाँ डिग्री की नहीं दम की जरूरत पड़ती है, और मैं वहाँ नौकरी करने नहीं जा रहा, लोगों को नौकरी पे रखने जा रहा हूँ। बेटा तुम्हारे हौसले पर हमें बिल्कुल शक नहीं, पर एक बार फिर भी सोच लो। कुछ फैसले एक बार सोच कर ही लिए जाते हैं वो, और ये भी उनमें से एक है। और वैसे एक फैसला मैंने और लिया है। वो क्या? अब्बू मैं चाहता हूँ कि मेरे हिस्से की ज़मीन बेच के वो पैसा आप लोग मुझे दे दो, ताकि मैं मुंबई जाके उस पैसे से एक वर्कशॉप खोलूँगा। भाईजान, बहादुरी और बेवकूफ़ी, इसके बीच की लकीर ना बहुत पतली होती है। जुनैद, हाथ की लकीरों पे यकीन करने वाले लोग ना तो बहादुरी का नशा कर पाते हैं और ना ही हार के कुछ सीख पाते हैं। भाईजान, ये सब बोलना बहुत आसान होता है, करना नहीं। फिर गलत छोटे, बोलना भी करना होता है और सोचना भी करना होता है। बस डरना ये जिंदगी में कभी नहीं करना होता है। हौसलों से भरा हुआ था हमारा अमजद जब वो यहां से मुंबई गया था। जैसा आप कह रही हैं, हमारा अमजद ऐसा कभी नहीं था। कम से कम आधा दर्जन लोग उस कत्ल के गवाह हैं जो आपके अमजद ने दिन दहाड़े किया था। किसी मुख्तार सिद्दीकी को जानते हैं आप दोनों? नहीं। अमजद का वो फोन नंबर दीजिए जिससे वो 1.5 साल पहले आप लोगों से बात करता था। 444-871-232। मुझे तो डाउट है ये नंबर ऑन भी होगा। और आरती, मुझे डाउट है कि अमजद के माँ बाप सच बोल रहे हैं। शरद जी, जी 8 जून 2014 को मुंबई में मर्डर करने के बाद क्या ये अमजद यहाँ आया था? उसके पहले मुंबई जाने में उसकी किसने मदद की थी? कौन था उसका मुंबई में? इन सारे सवालों के जवाब मुझे उसकी कुंडली के साथ चाहिए। निकाल दे पूरी खबर पिछले 5-6 सालों की। मीना के रिकॉर्ड्स में भी ऐसा कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला है जिससे लगे कि मीना अमजद के साथ टेलीफोनिक टच में है। सर, यहाँ लोकल पुलिस ने खबरी नेटवर्क एक्टिव कर दिया है, मुझे पूरा यकीन है सर। मर्डर करने के बाद वो यहाँ जरूर आया होगा। हसीना की क्या खबर? उसके मायके का एड्रेस मिला है सर, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। आरती गई है वहां पर? जी, अमजद का हसीना से क्या वास्ता? उनका तलाक होके तो अरसा हो गया, और आप इतनी दूर से हसीना को ढूंढने क्यों आए? मुंबरा मुंबई में एक दर्जी काम करता था, मुख्तार सिद्दीकी। क्या आप लोग जानते थे उसे? जी नहीं, मुंबई या फिर मुंबरा के आसपास हमारा जान पहचान का कोई है ही नहीं। क्या हुआ इस आदमी को? अमजद ने उसका कत्ल कर दिया है। या अल्लाह। और 1.5 साल से फरार है। तो जाइए अमजद को ढूंढिए, हमारी बच्ची हसीना को क्यों पूछ रही है? देखिए, जो हमें पूछना है वो हसीना से खुद पूछ लेंगे। आप हमें ये बताइए कि जुनैद और हसीना कहाँ रहते हैं, फोन नंबर दीजिए उसका। वो दोनों जोधपुर रहते हैं। कहाँ है तेरा शौहर अमजद बे? कहाँ है? मुझे नहीं पता हुमेरा, उसे मारना तो तुझे चाहिए था ना, उसने मेरे शौहर को क्यों मार डाला? उसकी क्या गलती थी? तूने बाहर जाके मुंह मारा, मेरे मुख्तार के साथ चक्कर चलाया, अमजद ने तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया होगा। मेरा नहीं तो कम से कम मरहूम मुख्तार भाई का तो लियाज किया होता, फिर क्यों? क्या हुआ था उन दोनों के बीच मीना? मुझे नहीं मालूम हुमेरा, जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे पता है और उतना ही मैंने पुलिस को बताया। अमजद ने मेरे बच्चे अशरफ को लावारिस बना दिया मीरा। मेरी रिया का हाल कुछ अलग है क्या हुमेरा? जिस दिन से तुमने और अशरफ ने मुख्तार भाई को आखिरी बार देखा, उसी दिन से मैंने और रिया ने अमजद को नहीं देखा। 1.5 साल से भी ऊपर हो गया है। वो अभी भी तुझे फोन करता है ना, छुप छुप कर आकर मिलता है ना तुझे? ऐसा कुछ नहीं है। झूठ झूठ बोल रही है तू, तूने उसे छुपा कर रखा है। बता बता कहाँ है वो?
सर 4484871232 ये जो नंबर है ये अमजद बेग के नाम पे हमारे कंपनी से खरीदा तो गया था, पर 2014 से ये नंबर ऑपरेशनल नहीं है। 8 जून 2014 से बंद होगा। जी बिल्कुल सही सर। वैसे तो हमारे यहाँ पे एक साल के ऊपर का नंबर्स का डेटा स्टोर नहीं करते हैं, और ये तो 1.5 साल से डीएक्टिवेटेड है। अगर आपकी कंपनी चाहे तो 1.5 साल तो क्या, पिछले 5 साल का डेटा रिट्रीव कर सकती है। आप हमें प्लीज अमजद के 1.5 साल की डिटेल्स दीजिए। हाँ साहब, अमजद यहीं काम किया करता था, लेकिन जब से वो मुंबई गया है एक फोन तक भी नहीं किया उसने। करीब 5 साल हो गए। पिछले 1.5 साल से फरार है वो। सुनी वो मर्डर वाली बात, ये बबलू ने बताई, लेकिन साहब सच बोलूं झूठ लगता है। नहीं मतलब ठीक है, पर अमजद खून करेगा? नहीं साहब, दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन मर्डर तो हुआ है लतीफ, इसलिए तेरा ये दावा छोटा साबित होता है। जब तक अमजद सोमापुर में था बंदे उसकी शिद्दत और ईमानदारी की मिसाल देते थे। पूरा बचपन देखा है साहब, और जवानी भी, कभी उसके मुंह से कोई गलत बात तक नहीं निकली। अमजद का जो ये करेक्टर सर्टिफिकेट हमें हर किसी से मिल रहा है ना, ये उस राज को और गहरा करता है जिसमें वो लिपटा है। अब तू हमें सिर्फ इतना बता, अमजद यहाँ से मुंबई बिना किसी सपोर्ट के इतने बड़े शहर में अकेले कैसे चला गया? कोई ना कोई तो होगा ना उसका मुंबई में। हाँ ना साहब, और अमजद ने मुझे खुद बोला था कि वो यासीन के पास जा रहे हैं मुंबई। यासीन के यहाँ रुकोगे? हाँ फिलहाल तो यही प्लानिंग है, नौकरी का भी वही देखेगा बोला। वो किसी फैक्ट्री में काम करता है ना? हाँ, लेकिन उसका खुद का कमरा है वहाँ पे, और रुकने का इंतजाम भी वही है। यासीन के एक छोटे से कमरे में तुम और हसीना रहोगे कैसे? अरे कुछ तो लिहाज कर उसका। अरे नहीं, अभी मैं हसीना को लेकर नहीं जा रहा हूँ, अभी तो मैं अकेले जाऊँगा। पहले वहाँ जाके अपना बड़ा सा महल बनाऊंगा, फिर हसीना को ले जाऊंगा। ये यासीन जिसने अमजद को मुंबई में रहने की जगह दी, यही सोमापुर का रहने वाला था? उसका पूरा खानदान यही होगा। यासीन दरअसल शक्करपुर का है, बगल का ही गांव है, करीब 9 साल पहले मुंबई गया था। हाँ उसके अम्मी अबू यहीं रहते हैं, पर अब पता नहीं। तुम किसी मुख्तार को जानते हो? मुख्तार सिद्दीकी? नहीं तो। बबलू साहब, इस यासीन की मुझे डिटेल्स चाहिए, और हो सके तो इसका नंबर भी। निकालूंगा साहब। सर यूपी वाला अमजद का दूसरा नंबर जो है 4487-1232, ये उसने ज्यादा यूज ही नहीं किया है। देखिए ना सर, ज्यादातर कॉल माँ बाप और पहली पत्नी हसीना को ही गई। मतलब तुम दोनों की पिछले 1.5 साल से अमजद से बात नहीं हुई? नहीं। फोन पे ही बात नहीं हुई? जब रिश्ता ही नहीं रहा तो बात करने से क्या फायदा? मुख्तार सिद्दीकी से तुम्हारा क्या रिश्ता था हसीना? कौन है ये मुख्तार सिद्दीकी? वही जिसका अमजद ने दिन दहाड़े मर्डर कर दिया है। मर्डर? क्यों मारा होगा? वो तो अमजद को ही पता होगा ना मैडम। लेकिन उसकी दुश्मनी तो तुम दोनों से थी। ये आपसे अमजद ने कहा? पिछले 1.5 साल से तुम लोगों से मिले हो या नहीं? नहीं मिले मैडम। जब से अमजद भाईजान और हसीना का तलाक हुआ है मैं तो तब से नहीं मिला। और मैं तो उससे भी पहले, आखिरी मुलाकात तब हुई थी जब वो मुंबई के लिए रवाना हुआ था। मैं रह लूंगी ना, कैसी भी हालत में रह लूंगी, बस तुम साथ रहो। अरे ऐसे कैसे किसी भी हालत में रख लेंगे तुमको, पागल हो क्या? तुम जिम्मेदारी नहीं हो मेरी, प्यार हो, और प्यार को फूलों की तरह रखते हैं। बनाने दो हमको अपना बगान, फिर ले चलेंगे तुमको महकने के लिए। सुनो ना, ले चलो मुझे, मैं तुम्हारे बिना ऐसे अकेले कैसे रह पाऊंगी? तुम अकेले कहाँ हो? अम्मी है, अब्बू है, जुनैद है, टाइम यूं गुजर जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा, और तुम मुंबई में होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द आके तुमको ले जाऊंगा। मैं इंतजार करती रही कि वो आएगा और मुझे मुंबई ले जाएगा। महीने के महीने पैसे जरूर भेजता था, पर कभी लेने नहीं आया। और फिर एक दिन अमजद ने मुझे फोन पर तलाक दे दी। और उसे ये बात हजम नहीं हुई कि तुमने उसी के छोटे भाई जुनैद से शादी कर ली। मैडम, तलाक अमजद ने दिया, उस मीना से निकाह उसने किया, और बुरे हम दोनों हो गए जिसका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए मैडम, हमारा यकीन कीजिए, हमारे निकाह के बाद से हमारा अमजद भाईजान से कोई लेना देना नहीं।
शायद अमजद बेग पकड़े जाने के लिए जिंदा ही नहीं था। उस वक्त ये ख्याल हमें भी आया था। ये अपने आप में बहुत अनोखा केस था जहां जुर्म का मोटिव एक्यूज के अलावा और कोई बता ही नहीं पा रहा था और एक्यूज का कोई नामो निशान ही नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, इसी वजह से हम इस केस को यहां क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। पर आपने एक कनेक्शन मेंशन किया था सर, कुछ अजीब सा था, घड़ी के साथ टाइम को लेकर। ये एक्यूज के करेक्टर की एक डिटेल थी जिसका डायरेक्टली कत्ल से कोई कनेक्शन नहीं था। अब इसे आदत कहो, सनक कहो या जिद, अमजद में पैदा हुई थी जो हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलने वाली थी। किससे पता चली? कोई करीबी होना चाहिए। हेलो, यासीन शेख। हाँ जी, बोल रहा हूँ। साहब, आप पिछले 1.5 साल से अमजद को ढूंढ रहे हैं, पर क्यों साहब? मुख्तार सिद्दीकी का मर्डर किया उसने। जानते हैं मुख्तार सिद्दीकी को, मुमरा का दर्जी? मैं किसी मुख्तार उख्तार को नहीं जानता था, पर साहब अपना अमजद ऐसा क्यों करेगा? ये तो अमजद ही बताएगा। कहाँ है वो? पिछले 1.5 साल से तो हम मिले भी नहीं हैं, हमारी तो कोई बात भी नहीं हुई है। 8 जून 2014 को अमजद ने अपनी ही दुकान पर मुख्तार का कत्ल किया और उसके बाद वो तुम्हारे पास आए ही नहीं, जबकि सिर्फ तुम ही कैसे आदमी हो जिसने उसे मुंबई में रहने का सहारा दिया था। दिया तो था साहब, पर साहब शायद वो मुझसे मिलने आया था साहब। इस शायद का क्या मतलब? या तो वो मिलने आया होगा या मिलने नहीं आया होगा। आया था साहब, शायद इसलिए क्योंकि 8 जून 2014 ही शायद वो तारीख थी जब वो मुझसे मिलने आया था साहब। अरे अमजद भाई साहब, आप आइए आइए, अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। कमाल हो अमजद मियां, कमाल हो यार, पूरे 2 साल के बाद अपना चेहरा दिखा रहे हो और वो भी इस तरह अचानक। तू तो वाकई के हित के चांद हो गए भाई। अरे नहीं यासीन, वो वक्त गुजरता रहा, काम जमाने में बहुत ज्यादा मसरूफ हो गया था। अरे हसीना को लेकर आइए कभी खाने पर। वो यहाँ नहीं है, गाँव में। ऐसा क्यों भाई साहब, इतने टाइम से आप अकेले रह रहे हैं? सुनने में आया था तुम्हारा दुकान धंधा सब कुछ जम चुका है, तो फिर हसीना अभी भी गांव में क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। अमजद यार कुछ तो मसला है, तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हो? कहाँ, नहीं तो ऐसे ही। यासीन, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं आज यहीं रुक जाऊं। यार रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ यार, लेकिन अमजद यार कुछ तो माजरा है। नहीं यासीन, ऐसा कोई मसला नहीं है, काफी अरसे बाद हम लोग मिल रहे हैं ना, तो शायद तुमको ऐसा लग रहा होगा। उसने मुझे कुछ नहीं बताया किसी मर्डर वर्डर के बारे में। उसने बताया नहीं या तुमने छुपाया? मैं ऐसा क्यों करूंगा मैडम, माना कि अमजद मेरे बगल के गाँव का है, जब वो मुंबई आया था तो मैंने ही उसको सहारा दिया था, यहाँ तक कि अपनी फैक्ट्री में उसकी नौकरी भी लगवाई थी। फिर वो मुमरा कैसे शिफ्ट हुआ? साहब दरअसल किसी ज़माने में मैं खुद मुमरा रहा करता था, अमजद को अपना खुद का धंधा करना था, तो मैंने उसको सलाह दी कि मुमरा में दुकान सस्ती मिलेंगी, गांव की ज़मीन बेचकर जो उसके पास पैसे थे उससे उसने किसी बिलाल नाम के आदमी से दुकान खरीद ली। 2 साल ऐसे ही बीत गए, ना मिलना हुआ ना हमारी बातें हुई। यासीन, ये अमजद एक वांटेड क्रिमिनल है, हमने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, सोमापुर जोधपुर भी गए, इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था साहब। किसी मीना बेग को जानते हो? नहीं मैडम। अमजद और कहाँ जा सकता है, कहाँ छिप सकता है? नहीं पता साहब। ठीक है, शुक्रिया साहब। साहब एक बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। बोलो। थोड़ी अजीब है यासीन, मैं आज और रुक सकता हूँ क्या? अमजद यार तेरा ही अपना घर है, तुझे जब तक रुकना है तब तक रुक। मैं कल तो चला ही जाऊंगा, बस आज के दिन ही। अमजद कोई परेशानी है क्या? नहीं ऐसा ही बस। और वो अगले दिन निकल गया।
8 जून की दोपहर को वो आया और 10 जून की सुबह निकल गया। जी। कुछ अजीब बात बोल रहे थे तुम। साहब वो 10 जून की सुबह को भी जाने से झिझक रहा था। क्यों? वो निकलते निकलते अचानक से रुक गया। ये आपकी घड़ी सही है क्या? नहीं, मेरी घड़ी में 10 बजे और इसमें 10:05, अभी देखो 10:06 हो गई। होगी 5-6 मिनट आगे। मैं एक 5 मिनट रुक के चलूं? अमजद, इसमें पूछने की क्या बात है, बैठो। मैं एक ही चाय बना के ले आती। नहीं नहीं भाभी जी, आप चाय मत बनाइए, चाय बना के पीने में करीब 10 मिनट लग जाएगा और मैं 4 मिनट में निकलूंगा। और ठीक 4 मिनट के बाद वो चुपचाप चला गया। इस बर्ताव की कोई खास वजह? नहीं पता साहब, लेकिन साहब सब कुछ अजीब था। उसका अचानक से 2 साल बाद मेरे घर में आ जाना, वो भी बिना फोन किए, उसकी बातें, उसकी चुप्पी, उसकी हरकतें, सब अजीब थी साहब। लेकिन साहब मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है कि अमजद मेरे घर खून करने के तुरंत बाद आया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमजद ने मर्डर किया। अगर तुम उसके सच्चे दोस्त, एक सच्चे इंसान, उसे पकड़वाने में हमारी मदद करो। जरूर करूंगा साहब। कोई जांबाज कहता है, कोई मेहनती, कोई ईमानदार, तो कोई सनकी। आखिर अमजद बेग है क्या सर? कत्ल से 6 महीने पहले के अमजद के बारे में हमने जिन जिन से बातें की, मीना, हरीश, फहीम और अब ये यासीन, और जब भी हम आपस में बात करते हैं सबके मुंह से बस यही दो शब्द निकलते हैं, अजीब और अचानक। अजीब बर्ताव, अचानक कत्ल, फिर यासीन के यहां अजीब बर्ताव, उसकी सनक, उसका गुस्सा, टाइम को लेकर। इन दोनों में कनेक्शन जरूर है कोई। टाइम को लेकर? हाँ, वो परेशान रहते थे लेकिन कभी कुछ बताया नहीं साहब। बार बार टाइम को देखते तो थे, वो बहुत परेशान रहते थे, उनका काम खराब होने लगा था, अक्सर पूरा पूरा दिन वो एक लफ्ज भी नहीं कहते थे, रात रात में उठकर ही खिड़की के पास बैठ जाते थे। कब से होने लगा था ये? पता नहीं साहब। मीना, अमजद की दुकान पे काम करने वाले दोनों लड़के, हरीश और फहीम, ये दो बताते हैं कि अमजद खुद से अपने काम को मना करने लगा था। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कोई बीमारी वगैरह, कोई इलाज चल रहा था क्या उसका? नहीं, मतलब उन्होंने मुझे कभी कुछ बताया नहीं साहब। जब अमजद को ये पता चला था कि उसकी पहली पत्नी हसीना ने उसके छोटे भाई जुनैद से शादी कर ली है, तब उसे सदमा लगा था, कुछ अजीब सी हरकत करने लगा था। हाँ, उन्हें बहुत गुस्सा आया था लेकिन सदमा मैं नहीं कह सकती साहब। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मैं अमजद भाईजान को यह बात समझा ही नहीं पाया कि मुझे तुमसे प्यार तुम दोनों के तलाक के बाद हुआ, उसके पहले नहीं। क्या फर्क पड़ता है जुने, अमजद ने तो वैसे ही मुझे ठुकरा दिया था फोन पर। फर्क सिर्फ इसीलिए पड़ता है क्योंकि मुझे लगता है कि अमजद भाईजान ये समझते हैं कि मैंने उनके पीठ पीछे वार किया। जुनैद सही सही बता, मैं यहाँ मुंबई में खून पसीना एक कर रहा था, तू वहाँ मेरी बीवी के साथ, अपनी भाभी के साथ क्या कर रहा था? नहीं अमजद भाई, ये तो इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आप दोनों का तलाक हुआ, उसके बाद मैंने उसकी तरफ एक औरत के नजरिए से देखा और तब जाके मुझे उससे इश्क हुआ। जुनैद, तू कॉलेज वॉलेज पढ़ा होगा लेकिन बाकी लोग भी अंधे बहरे नहीं है, मुझे मालूम है उसके पहले से तुझ पे नजर थी और मेरी गैर मौजूदगी में तू भी उससे नजर मिलाता था। आपकी नजर इतनी गंदी
और घटिया हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। खैर आपको क्या फर्क पड़ता है कि हसीना ने किससे निकाह किया और क्यों किया? आपने सबसे पहले उससे शादी तोड़ी, उसे छोड़ दिया, उसे ठुकरा दिया, उसके बाद किसी और लड़की से निकाह किया, तो फिर आपको क्या हक बनता है ये सब सवाल पूछने का? मेरे भाई, मैं हक हसीना पे नहीं अपने भाई पे जता रहा हूँ। हसीना ने तुमसे शादी करके तुमको फंसाया है मुझे जलाने के लिए, और तुमने उससे शादी करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। हाँ की मैंने बेवकूफ़ी, लेकिन आपने उसे ठुकरा कर उसके साथ बेवफाई की थी। अब आप ही बताइए गुनाह क्या होता है, बेवकूफ़ी या फिर बेवफाई? अबे अम्मी अब्बू की इज्जत उछालना, उनका पढ़ा लिखा सहारा बनने के बजाय उनसे अलग हो जाना, ये बेवकूफ़ी है कि गुनाह है? अमजद ने मुझे छोड़ा, तुमने मेरे लिए अपने अम्मी अब्बू को छोड़ा, हम दोनों ने अपना गांव छोड़ा, ये सारी बातें अब पीछे छूट चुकी है, हमें आगे देखना चाहिए। क्या अमजद भाईजान ने हमारी वजह से कत्ल किया होगा? जुनैद, उसने जो किया वो उसका भुगतेगा और उसे भुगतना भी चाहिए, हमें उससे क्या लेना देना? शबाना, सोमापुर में अमजद का घर 24 घंटे सर्विलेंस पर है सर, लेकिन अभी तक कोई भी स्पॉटिंग नहीं हुई है। अमजद के माँ बाप के फोन रिकॉर्ड्स? उन दोनों के फोन भी सर्विलेंस पर हैं। पिछले 6 महीने में उन दोनों के फोन पर मुंबई के अलग अलग पीसीओ से कई कॉल्स गए। सर मीना बेग के फोन पर भी मुंबई के अलग अलग पीसीओ के नंबर शो करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमजद यहीं मुंबई में छिपा बैठा है हमारी नाक के नीचे और हम उसे आजमगढ़ और जोधपुर में ढूंढ रहे हैं? सर मुंबई में अपनी हर कोशिश आजमाई हमने, मुंबई का हर खबरी नेटवर्क इस अमजद बेग केस को अच्छी तरह से जानता है, शहर में पोस्टर चिपके इसके, न्यूज मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरह की कोशिश करके देख लिया हमने सर। समीना बेग और हुमेरा सिद्दीकी, इन दोनों पे सर्विलेंस जारी है। बस ये अमजद बेग हमारे हाथ में। 2 साल हो गए होंगे अब तक जब अमजद ने मुख्तार को मार डाला था, और ना अमजद हाथ में था ना कत्ल का कारण। इस अमजद के बारे में आप लोगों ने हर किस्म की डिटेल इकट्ठा की, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग, पर वो नहीं मिला। सर क्या वो कभी नहीं मिला? उत्तर प्रदेश में हमने उसकी फैमिली और दोस्तों पर लगाम कस के पकड़ रखी थी, क्योंकि हमें मालूम था कि कोई उनमें से एक तो है जो झूठ बोल रहा है। बस अब हमें इंतजार था कि कब अमजद हमारे हाथ लगेगा। ये वेटिंग गेम फ्रेंकली हद से ज्यादा लंबा चला। फिर मुंबई में अमजद की स्पॉटिंग की खबरें आने लगी, और हर बार यह चीज एक अंधी गली में एंड होती, और आखिरकार अमजद हमारे हाथ लगा। ऐसे लगा, इतनी जल्दी लगा, जो अचानक भी था और अजीब भी, ठीक अमजद की तरह। मलाड ईस्ट का कोई पीसीओ था? मलाड ईस्ट? मलाड ईस्ट में वो कहाँ रो सकता है? कौन है वहाँ? पता नहीं साहब, उसने कुछ बताया नहीं, बस इतना कहा कि वो थक गया है। हेलो यासीन। अमजद? यासीन मैं थक गया हूँ यार। तू है कहाँ अमजद? यासीन मेरी मदद करो भाई, मुझे मालूम है कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है, और तुम्हें भी पता होगा कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है। ऐसा क्यों किया अमजद तुमने? यासीन पुलिस मेरी खाल उधेड़ देगी ना। पुलिस तुम्हें पिछले 2 सालों से ढूंढ रही है, तुम सरेंडर कर दो वो लोग तुम्हें छुएंगे भी नहीं। सर हमने मलाड ईस्ट के उस पीछे के आसपास अपने आदमी लगा दिए, अगर बाई चांस अमजद वहां लौटा तो मलाड ईस्ट की खबरों को भी एक्टिव कर दिया है। यासीन देखो, उसने तुमसे कॉन्टेक्ट किया, मतलब भरोसा करता है तुम, वो तुमसे दोबारा भी कांटेक्ट करेगा। ओके जी साहब, और साहब इस बार मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। अभी तुम जा सकते हो। कदम आरती, इसे यासीन का फोन टैप करो, अगर ये हमारे साथ डबल गेम खेलता है तो हमें पता चलना चाहिए। आरती, मुंबई के ही किसी पीसीओ से कॉल है, यासीन के सेल पर बज रहा है,
इस पीसीओ का लोकेशन पता करो। देख अमजद, पुलिस अब मेरे पीछे पड़ गई है। वो अच्छी तरह से जानती है कि तुम मेरे दोस्त हो। वो चाहती है कि तुम सरेंडर कर दो। यासीन, मेरी वजह से पुलिस को बहुत भागदौड़ करनी पड़ी है। सरेंडर करते बहुत मारेंगे मुझे। मुझे मार नहीं खाना यासीन। तुम सरेंडर कर दोगे, पुलिस तुम्हें छुएगी भी नहीं। अच्छा, मैंने सुना है कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई जमानत ले जाती है सरेंडर करने से पहले। वो मुझे दिलवा दो ना, मैं सरेंडर कर दूंगा। अमजद, मैं एक मामूली सा फैक्ट्री वर्कर हूँ, मैं कहाँ ये सब। तुम नहीं यासीन, तुम किसी वकील से बात करो और उसको बोलो कि मेरा एक दोस्त है जिसे जमानत चाहिए जो गिरफ्तारी से पहले ली जाती है। उसे कुछ एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं, वो मुमकिन है क्या? एंटीसिपेटरी बेल चाहिए उसे हमारे डंडे से बचने के लिए। ये उतना भी अजीब और अचानक नहीं है, काफी शातिर बुद्धि है इस अमजद की। सर, इस बार मीरा रोड के किसी पीसीओ से फोन किया उसने। ये अमजद पीसी रिपीट नहीं करता। सलाम सर। सलाम यासीन, ये तुम्हारा दोस्त अमजद कैसा आदमी है? साहब, मैं तो खुद थोड़ा हिल गया हूं। साहब, ये एंटीसिपेटरी बेल। हाँ साहब। साहब, ये कुछ होती है क्या? होती है, वो हम उसे दिलाएंगे। क्या साहब? एंटीसिपेटरी बेल दिलाएंगे। जो गेम ये हमारे साथ खेल रहा है वही गेम हम इसके साथ खेलते हैं, लेकिन हमें ये किसी भी हालत में हमारी कस्टडी में चाहिए। यार अमजद, यकीन कर मेरा, जमानत के कागज सारे रेडी किए हुए हैं, एक अच्छा वकील भी किया हुआ है। तुम्हें सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। पहले तुम मुझे और एक वकील को बाहर मिलोगे, वहां से हम कोर्ट जाएंगे जहां पर तुम्हारी जमानत होगी। ये सब तुम इस वकील ने बोला है मुझे बोलने के लिए कि तुम पुलिस वालों के साथ मिले हुए हो? सही है, पहले मुझसे मदद मांगते हो फिर मेरे इरादों पर शक करते हो। नहीं यासीन, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, इस बार नाला सुपारा से फोन था, पूरे शहर भर से फोन कर रही है। अमजद, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, सरेंडर कर दो। इससे तुम्हारी जिंदगी तो बचेगी, साथ में मेरी जिंदगी भी आसान हो जाएगी जो इस वक्त मुश्किल में है तुम्हारी वजह से। अमजद, फोन पे हो? परसों मिलूंगा 2 बजे। कहाँ? थाने रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1। सर, टीम के पहुंचने से पहले ही अमजद भाग गया, लगता नहीं कि फिर से वो उस पीसीओ पे मिलेगा। उसने परसों थाने स्टेशन आने के लिए कहा है सर, और इस वक्त हमारे पास उसकी बात पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा है भी नहीं। भरोसा करते हैं उस पर और इस यासीन पर भी नजर रखते हैं। साल से बहुत घुमा दिया तूने अमजद बेग। अरे कौन है आप लोग? अरे छोड़ो मुझे। अरे मैं कोई अमजद अमजद नहीं हूं मेरे भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सर, ये तो वही पुराना रगड़ है कि अमजद नहीं है। सर, बेसुरे को थोड़ा सुर में गवाते हैं, सब याद आ जाएगा। मेरी याद को कुछ नहीं हुआ है, मैं बोल रहा हूं मैं अमजद नहीं हूं।
आप लोग को यकीन क्यों नहीं हो रहा है? तो फिर कौन है तू? दीपक सिंह नाम है मेरा। तो यासीन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। आप लोग को मजाक लग रहा है क्या? मजाक तो तू कर रहा है पिछले दो साल से, अब तो पंचलाइन का टाइम आ गया है। आरती सर, मीना और रिया को बुलाओ, देखते उन्हें ये चुटकुला कितना पसंद आता है। रुको, अमजद बेग, मुख्तार सिद्दीकी को क्यों मारा तूने? शैतान का साया था तेरे बेटे पर। बाबा मेरा एक ही बेटा था, बड़ी मन्नत था उसको मांगा था, उसकी भी मौत हो गई बाबा, सब कुछ खत्म हो गया बाबा। मालूम है बेटा, ये सब तेरे अपनों को किया कराया था बेटा। मैं क्या करूं बाबा, कोई तो उपाय होगा बाबा। अल्लाह उनको सबक देगा, जा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा आपने उस आदमी से कहा कि उसके बच्चे की रूह किसी ने कब्जे में कर लिया था, इसलिए उसका इंतकाल हुआ। जमीन का मसला था उसके अपने भाई के साथ, उसके बड़े भाई ने उसके बच्चे की रूह जादू से कैद कर ली थी, ना भरने वाला घाव दे दिया बेचारे को। तो बाबा ऐसे जादू टोने से किसी की रूह को कब्जे में किया जा सकता है? शैतान एक हकीकत है बेटा, शैतान हर जगह घूमता है। तुझे भी घाव दिया है शैतान ने, मसला मैं समझ गया। पहले तुम अपनी जुबानी बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि उस मसले का तोड़ क्या है। मेरी पहली बीवी है ना, उसने मेरे छोटे भाई को पता नहीं क्या खिला पिला दिया है, वो उसके लिए पागल हो गया कि निकाह कर लिया उससे। तो तुझे लगता है कि तेरी पहली बीवी हसीना ने ये तेरे छोटे भाई से निकाह तुझसे बदला लेने के लिए किया है? तू जो सोच रहा है सही सोच रहा है अमजद, तेरी पहली बीवी हसीना ने तेरे भाई को कब्जे में कर लिया है और वो तुझे बर्बाद होता देखना चाहती है। तुझे इस जाल में फंसकर किश्तों में मरने की जरूरत नहीं है, समझ रहा है ना बेटा? इस वक्त वो तुझ पर हावी है हसीना, उसने तेरे अंदर का सारा सुकून चूस लिया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके टोने का तोड़ निकालना होगा, उसके सारे नापाक इरादों को रोकना होगा। कैसे बाबा, इसका इलाज क्या है? ये अपनी पहली बीवी हसीना की राम कहानी मत सुना हमें, ना ही तो हमारे पास टाइम है और ना ही मूड, सीधा मुद्दे पे आ। मुख्तार सिद्दीकी को क्यों मारा तूने? मेरी जिंदगी के चीथड़े उड़ रहे थे सर, कुछ भी करके कैसे भी मुझे अपनी बर्बादी को रोकना था बस। 10:21 सम है या विषम है? 10:21 सम है या विषम है? विषम। और 10:20 वो सम। जब भी कोई काम करो पहले घड़ी देखो, विषम जो भी हो काम मत करो। विषम यानी कि 1, 3, 5 या 7, ये पंखे ठीक नहीं करना। हाँ 2, 4, 6 हो ठीक कर डालो, समझ रहा ना मेरी बात? जी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। विषम जो है वो बर्बादी का रास्ता है, खात्मे का। जब भी कोई काम करो अपनी नजर घड़ी पर रखो, सम हो तो काम कर लो बस। मत खोल हरीश। रमजद भाई एक बार खोल के तो देख लो ना। बोला ना हरीश, आपकी घड़ी सही है क्या? हाँ मतलब सही होनी चाहिए। अमजद भाई वो कुछ बात करनी थी आपसे प्राइवेट में। अभी 4 मिनट रुक, 12 बजेंगे तो बात करूँगा। अमजद भाई क्या हो गया आपको? सारे ग्राहक वापस जा रहे हैं, आप कोई नया काम भी नहीं उठा रहे हो। गंद साफ कर रहा हूँ हरीश, अच्छे काम के लिए जगह बना रहा हूँ। तो फिक्र मत कर, इंशाल्लाह बहुत बड़े बड़े काम आएंगे। बड़ा काम जब आएगा तो कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, लेकिन तब तक जो अपना दाल रोटी का काम है उसको लात मारने से क्या मिलेगा अमजद? अमजद बेटा हसीना जो कर रही है वो अलग, कोई अगल बगल है तेरे जिसने तेरी रोजी रोटी को बांध रखा है। दिमाग पर जोर डालकर सोच, वो शख्स कौन हो सकता है जिसने जादू से तेरी रोजी रोटी को अपने पास बांध लिया है? अच्छा ये
जैसे उस बच्चे के की रूह कब्जे में कर लिया था उसके ताऊ ने। ये क्या है, ये क्या बदतमीजी है मुख्तार? तो अमजद भाई, ये यहाँ क्यों फेंका? अरे मैंने नहीं फेंका, और मैं क्यों फेंकूंगा? ये तूने फेंका तो कैसे आ गया ये? अब अपने आप आ गया क्या? अमजद मियां, नशा वशा तो नहीं करने लग गया आजकल? अरे ये हमारा यार, हाथ दे, ये कोई फेंकी थोड़ी जाती है, उड़ जाती है, गिर जाती है, और रात में बंद करते समय सारा का सारा समेट लेता हूँ, एक भी धागा नहीं मिलता है। तो ये सब क्या है, देख अपने आंखों से देख ना, ये सुबह से लेकर शाम तक दुकान के दरवाजे भी पड़ा रहता है, ये मनहूसियत है। ये तेरे को एक चीज नहीं पता तो जान ले, ये सब कूड़ा करकट जहाँ होता ना वहाँ बरकत नहीं आती, शैतान आता है। क्या बकवास कर रहे हो, दुकान की बरकत बांध रखी मनहूसियत फैला के। अच्छा ये शैतान है ना, ये शैतान है ना, तो मेरा धंधा क्यों अच्छा चल रहा है पता? तो आपसे इस दुकान का भाड़ा तू 5,000 देगा, वरना अपना सामान समेट और निकल जाते। ये क्या जाती है, पूरे एक साल का किराया एडवांस में दिया है मैंने, और एक भी पैसा ऊपर से नहीं दूंगा मैं। अब अगले एक साल तक ना यहाँ से कोई सुई हटेगी ना मुख्तार। मेरी रोजी रोटी को अपने कैद में कर लिया था मुख्तार ने, कभी नींबू मिर्ची फेंकता था तो कभी कपड़ों के टुकड़े, पूरी मनहूसियत फैला के रखी थी, हर वो मनहूसियत मेरे दिलो दिमाग पे हावी हो रहा था साहब। और अपनी पहली बीवी हसीना का गुस्सा तूने बेकसूर मुख्तार सिद्दीकी पर निकाल दिया। नहीं साहब, बहुत ही चालाकी से मेरे सारा काम को अपने अपने जेब में रख रहा था। मैंने बड़े प्यार से समझाया उसे, बड़ी दलीलें दी कि इसे जादू टोने वाली चीज़ें मत फेंका कर, लेकिन सुनता ही नहीं था साला शैतान का बच्चा। और उस दिन भी सुबह जानबूझ के वो काला कपड़ा फेंका था अनुसूचित फैलाने के लिए, और वो काला कपड़ा एकदम एकदम डरावना था। सर घूम गया और चक्कू चल गई साहब। बस इतनी सी बात थी? इसके अलावा तेरी कोई दुश्मनी नहीं थी मुख्तार से? वो मुझसे भूल हो गई साहब। कहाँ था 2 साल? 2 साल कहाँ था? यही था, मुंबई में। छोटा मोटा काम पकड़ता था और 2-2 महीने पे छोड़ देता था। कभी कभार गांव भी जाता था, अब्बू को गांव के बाहर बुला के उनसे मुलाकात कर लेता था। बस दिन रात एक ही बात सताती थी कि आज पकड़ा जाऊंगा, आज पकड़ा जाऊंगा। और तेरी बीवी मीना और बेटी रिया, उनका ख्याल नहीं आया कि क्या होगा उनका? अब ख्याल आया मैडम, बहुत ख्याल आता था, इसलिए मीना से कभी कभार फोन पे बात करता था, लेकिन मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कभी। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसने मुख्तार भाई को क्यों मार डाला। तुमने भी हमें नहीं बताया कि अमजद तुम्हें पीसीओ से फोन क्या करता था। पता है, तुम पर भी चार्ज लग सकता है एक खूनी को पुलिस से बचाने के लिए। आपके लिए वो सिर्फ एक खूनी है, लेकिन मेरे लिए वो मेरे शौहर है, मेरे बच्ची के बाप। और वो जब भी फोन करते ना, मैं उनसे यही कहती कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, जो भी सजा मिले उसे भुगत लो, हम जेल में मिलने आएंगे। ऐसे डर डर के मर मर के जीने का क्या फायदा? ऐसी जिंदगी तो मौत से भी बदतर है ना साहब। Oh,
उस बाबा को हमने काफी खोजा पर अभी तक हाथ नहीं लगा है। क्यों जाते हैं ऐसे ढोंगी बाबा के पास लोग? एक मसले का हल निकलना तो दूर, ये लोग तो सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और नतीजा एक वहम, एक डिस्टर्ब माइंड में प्लांट किया गया, उसमें और आग लगाई गई और एक बेगुनाह इंसान मुख्तार बेवजह मारा गया। इस कत्ल का कारण अगर कोई पेपर पर पुट डाउन करे तो क्या लिखे? वहम, मेंटल प्रॉब्लम, जबकि विक्टिम और अक्यूज में से किसी की भी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। दोनों ही मेहनती लोग थे और अपनी अपनी फैमिलीज के लिए बेहतर जिंदगी बना रहे थे। ये इस केस का एक दुखद पहलू तो है, पर ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर नॉर्मल मेंटली स्टेबल लोग अपनी जिंदगी के किसी प्रेशर में आकर इन पाखंडियों के विक्टिम्स बन जाते हैं, उनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। ये विक्टिम्स अपनी चेतना, अपने लॉजिक एक तरफ होने देते हैं और पूरी तरह से बेमतलब वहमों को पालते हैं इस उम्मीद में कि इससे उनके तनाव भरे मसले हल हो जाएंगे। ऐसे पाखंडियों के खिलाफ सख्त कानून तो है, पर उनके विक्टिम्स का क्या करें जिन पर कानून की नहीं बल्कि इन अंधश्रद्धाओं की हुकूमत चलती है। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।